अगर आप के मस्तिष्क की खिड़कियां खुली हैं और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सीखना है, तो सबसे अच्छा गुरु कौन है? आप में से किसी ने शेक्सपियर पढ़ा है? समय? नहीं, समय से तो डर के चलना चाहिए कि समय गुजर रहा है, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। शेक्सपियर ने एक वाक्य में कहा है, हाँ मगर शेक्सपियर ने क्या कहा हैमलेट में है? नहीं, पढ़ने लायक है। देखिए, इसलिए मैं खास एक पुस्तक लाया हूं, लिख गई, हाँ ये देखिए। प्रेमचंद जी के बेटे अमृत राय, उनकी लिखी हुई है, लिखी हुई है अनुदित, अनुवाद किया हुआ है। हैमलेट, लंबी कहानी है, वो नहीं क्या कहा उन्होंने आखिर में जाके, मैंने वो पन्ना भी रखा हुआ है क्योंकि वो एक्टर्स, अभिनेता और गायक और विशेषकर अभिनेता और बोलने वालों के लिए उन्होंने हैमलेट ने कहा है कि बराए मेहरबानी हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, ये सतरें जरा हल्के फुलके सुबक अंदाज में बोलना, जैसे तुम्हें बोलकर दिखाया, और अगर तुम्हें उतना ही चीख कर बोलना मंजूर हो जैसा कि बहुत से तुम्हारे साथी बोलते हैं। देखिए शेक्सपियर कैसे सटली बता देता है कि ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, जैसे कि बहुत से तुम्हारे साथी बोलते हैं, तो फिर शहर का ढिंडोरची ही क्या बुरा है। और देख पाँव लगना किसी को अच्छा नहीं लगता। और देखो इस तरह हवा में हाथ की आरी भी बहुत मत चलाना, सब कुछ जरा मध्यम ढंग से होना चाहिए, लेकिन देखो बहुत बेजान भी मत हो जाना, अपनी सूझबूझ के इशारे पर चलना जो आपने कहा। इंग्लिश में उन्होंने कहा है लेट योर ओन डिस्क्रेशन बी योर ट्यूटर। मैंने गुरु शिष्य की परंपरा को बहुत एनालाइज किया, बहुत ये उसका विश्लेषण किया कि गुरु से कब सीखा जा सकता है, कितना सीखा जा सकता है, वो क्या संजोग है कि जब गुरु शिष्य जिस परंपरा की हम बात करते हैं वो वास्तविक होता है, वो सार्थक होता है। लेकिन आपका सबसे बड़ा गुरु, सबसे अच्छा गुरु आप स्वयं हैं। मैंने अपनी पुस्तक में लिखा, मैंने लता मंगेशकर की जीवनी लिखी है, अजीब दास्तां है ये, इतनी बड़ी लता मंगेशकर, मैंने उनके साथ 28 साल तो विश्व भर घूमते हुए उनके कॉन्सर्ट्स को एंकर किया, तो बहुत नज़दीक आने का अवसर मिला, तो मैंने देखा कि वो कहाँ से सीखती हैं। देखिए हर एक कलाकार को कंप्लीट तो करना पड़ता है कि अभी तक मैंने इतना किया, अभी और आगे करूं। तो सत्यजीत रे ये करते हैं, मृणाल सेन ने ये किया, ऋषिदा ने ये किया, रमेश सिप्पी ने और किसी दिशा में विधा में ये किया, नहीं मैंने देखा जिंदगी भर कि लता जी यूज टू कंपीट विथ हर अर्लियर बेस्ट। मैं क्या कर सकता हूँ, जो मैं हूँ, मेरे जो संसाधन है, मेरे जो रिसोर्सेज हैं, मैं उसी से आगे बढ़ सकता हूँ, तो क्यों ना मैं अपने गिरेबान में झांकूं कि मैंने अभी तक क्या किया, कुछ अच्छा भी किया होगा ना, अच्छा नहीं किया होता तो मैं रहता नहीं। तो अगर ये अच्छा किया है तो उस अच्छे को बहुत सीरियसली मत लो, क्योंकि इससे अच्छा होना भी अवश्य संभव है। तो अपने
पिछले बेहतरीन के साथ आप स्पर्धा करें। तो ये है स्वर और सिनेमा में अपने स्वर विन्यास की, वॉइस कल्चर की तीन भुजाएं। दैट स्पीक नॉट ओनली द वर्ड्स, केवल शब्द न बोले, पंक्तियों के बीच में जो भावार्थ छुपा हुआ है वो आप उजागर करें, बोले नहीं उजागर करें। मुझे पता नहीं, मैं कई बार समझ नहीं पाता था कि लोग क्यों कहते हैं कि नहीं यार, आपका सुनते हैं तो लगता है कि हाँ यही सच है, और एडवर्टाइजिंग में तो वही चाहिए। हालांकि अभी एडवर्टाइजिंग मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ यही बात होती है कि मैं कोलगेट की बात करूँ या सेंसोडाइन की करूँ या किसी एक्साइट बैटरी की करूँ, पहले ही होता है कि ये तो हरीश बिमानी की आवाज़ है, तो एक्चुअली रिकॉर्ड करके निकाली जाती है आवाज़, और वो भी सही है। दरअसल ये हुआ था, और मैं ख़ास इसलिए कह रहा हूँ कि आवाज़ को ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्तित्व नहीं देना चाहिए। मेरी बात और है, क्योंकि मेरे पेशे में व्यक्तित्व देना ही सबसे बड़ी बात है। हम लगभग 500 होंगे, उसमें शायद दो ही हैं जिनको व्यक्तित्व, जिनकी आवाज़ को व्यक्तित्व नाम प्राप्त है, और वो सर्कमस्टेंशियल है, मैंने कुछ उसके लिए नहीं किया। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने अंदाज में न बोलें, जो स्क्रिप्ट कहती है वो एक्सप्रेस करें। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसीलिए मुझे महाभारत के लिए लिया गया, वो बाकायदा दो दिन बैठे रेडियो और टीवी पे एड सुनी, डॉक्यूमेंट्रीज देखी, और एक असिस्टेंट बैठ के नोट करता था, हाँ भाई ये किसकी, एक कौन सा टीवी था वो शैतान वाला, ओनिडा टीवी, ओनिडा का सारा कैंपेन मैंने किया था। तो कहा ये किसकी, ये बहुत अच्छी आवाज़ है, ये किसकी है, मैंने कहा ये अपने हरीश जी की, अपने ये बहुत काम करते हैं बियॉन्ड के लिए। अरे मगर ये वो ब्रिटानिया बिस्किट में तो बिल्कुल अलग था। उसके बाद कुछ और आया तो कहा ये भी वही है, फिर कुछ ग्वालियर सूटिंग की इंग्लिश आई, सोफिस्टिकेशन दाय नेम इज ग्वालियर सूटिंग, कहा ये बिल्कुल अलग क्यों लगता है एक दूसरे से, क्योंकि स्क्रिप्ट की वो डिमांड थी। तो जहां तक वॉइस ओवर्स का सवाल है या एक्टिंग का, मेरा ये दृढ़ विचार है कि अपनी आवाज को, अपने जो कुछ सीखा है सब कुछ भूल जाना चाहिए। आपको केवल अपनी स्क्रिप्ट में जो आपके सामने है, सामने है यानी जो कैरेक्टर आप कर रहे हैं, अगर आप एक्टर हैं या डबिंग आर्टिस्ट हैं, तो उसमें खो जाना है, अपने आप को बिल्कुल भूल जाना है, मगर भूलने की कोशिश नहीं करनी है, वरना आर्टिफिशियल हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि ये जबरदस्ती मिमिक करने की कोशिश कर रहा है। एक रीसेंट एग्जांपल दूं मैं आपको, अभी अभी का ठाकरे नाम की एक फिल्म बनी, देखियो सिद्दीकी नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अब मैं बाड़ा साहब से कम 5 बार मिला हूँ, एक बार इंटरव्यू भी किया है, तो मैं उनका बोलने का ढंग, और एक बार तो 40 मिनट बैठे थे बाहर उद्धव और राज, मैं लगभग 15 साल पहले की बात कर, 15-18 साल पहले की, वो बाहर थे कि वो हो क्या रहा है साहब, क्या बात कर रहे हैं साहब, कहते थे उनको, और मैं बाहर आया तो मुझे धर लिया बिल्कुल, क्या बात की इतनी देर तक बातें की, तो उनको बहुत मज़ा आता था मेरी हिंदी सुनने में, उनको हिंदी उर्दू सुनने में बहुत मज़ा आता था, और वो खुद बोलते कि उधर गए तो बहुत अड़चन होता, आए थे अड़चन नाम क्या क्या बोलते हैं अड़चन, मैंने कहा नहीं हिंदी में भी अड़चन ही बोलते हैं, तो अच्छा हरीश बिमानी बोल रहा है तो फर्स्ट क्लास, बाड़ा साहब बोल रहा है तो हिंदी बोलने को नहीं आता, ऐसे उनकी ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। तो उन्होंने जो
काम किया है नवाजुद्दीन ने, मिमिक्री नहीं की है, बिल्कुल नहीं की है, लेकिन उनके बोलने की रिदम पकड़ी है, उनके उनके बोलने के पीछे जो उनका स्वभाव था, उनका बोलने का ढंग ये था कि आप जो भी कहें आप सेंटेंस पूरा करें उससे एक क्षण पहले जवाब आ जाता था। अगर आपको याद हो तो कोर्ट सीन में उनसे पूछा जाता था, अच्छा तो रायट में आपका हाथ था, पांव था मेरा। देखा, ये नहीं कि वो कैसे ठीक से बोलते थे, आवाज में इतना सा अंतर है सिर्फ, लेकिन स्वभाव का अंतर बोला है। और फिर ऊपर से प्रोस्थेटिक्स, मेकअप, गेटअप से भी फर्क पड़ता है, वो अपने आप को देखते हैं, आत्मसात करते हैं। तो उस जिस कैरेक्टर की आप बात कर रहे हैं, जिस कैरेक्टर को आप निभा रहे हैं, आपको उसे आत्मसात करना है। ये है एक्टिंग। मैं वॉइस ओवर को भी ये मानता हूँ, लेकिन वॉइस ओवर को जरा दूर रखेंगे, क्योंकि वॉइस ओवर सच में टेढ़ी खीर है, वो कुछ अजीब ही बात है। मैंने कहा इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट, आपको कृत्रिम भी होना है, आपको उसमें गहनता भी लानी है, लेकिन बिल्कुल नेचुरल, ये कैसे हो सकता है? शुरुआत में तो बहुत बहुत मुश्किल होती है। तो एक्टिंग में आपको क्या करना है? मैंने पहले जो कहा कि टिम्बर, क्या कहते हैं टिम्बर, फ्रेंच लेडी हु इज फॉलिंग असलीप, सॉरी टैम, मगर वो फ्रेंच जाने दीजिए, अंग्रेजी से भी मैं उसे कई गुजरी भाषा कहता हूँ कि स्पेलिंग एक होगा, प्रोनंसिएशन पता नहीं कहाँ क्या होगा।